हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? चलिए, कल वाली वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। बहुत छोटी वीडियो बनाई थी और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन, आज भी उसी तरह की डिज़ाइन है। देखिए, सिर्फ 2 रो रिपीट पैटर्न है और बहुत ही इजी है और ये स्ट्रेचेबल बहुत है। तो आप इसे जेंट स्वेटर में ऑल ओवर या अपने हिसाब से बीच में कोई और डिज़ाइन के साथ इसको आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे और प्लस 1 फंदा एक्स्ट्रा चाहिए होगा। और ये देखिए, पीछे से ये इस तरह से दिखाई देती है और आगे से ये इस तरफ से। सिर्फ 2 सलाइयों की ये डिज़ाइन है और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ये देखिए, मैंने थोड़े से फंदे यहाँ पर डाल दिए हैं, 3-3 के मल्टीपल, मतलब 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 और लास्ट में 1 फंदा एक्स्ट्रा बचा है। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये मैंने सिर्फ 2 सलाइयाँ बना ली हैं जिससे दिखाई दे, क्योंकि थोड़े से फंदे हैं। आप पैटर्न डिज़ाइन बॉर्डर के बाद या जैसे स्टार्ट करना चाहें वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पहला फंदा हमने उतार लिया, उसके बाद 2 फंदे उल्टे, 1 और 1, ये 2, 2 फंदे उल्टे हो गए। फिर हम उनको पीछे ले जाएंगे और उसके बाद ये देखिए, ये जो है ये फंदा है, इसके बगल में जो ये होल दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे हम सिलाई घुसाएंगे और ऐसे 1 फंदा बना लेंगे। फिर इसके बाद वाला जो स्टिच है, जो परमानेंट स्टिच है, उसको भी 1 फंदा हम सीधा बना लेंगे। फिर इस फंदे के बाद भी ये जो जगह है, स्पेस है, इसमें हम देखिए इस तरह से, ये देखिए इस फंदे के बाद यहाँ जो स्पेस है इसमें हम सिलाई इंसर्ट करेंगे और 1 फंदा बना लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1, 1, 1 की 2, 2। फिर इसके बाद हम उनको पीछे ले जाएंगे और जो हमारा ये फंदा है इसके पहले, ये देखिए इस जगह पे, ये यहाँ पे हम हुक को, सलाई को घुसाएंगे और इस तरह से 1 एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। फिर उसके बाद वाले फंदे को भी हम सीधा बनाएंगे और फिर इस फंदे के बाद सलाई घुसा के हम 1 फंदा और एक्स्ट्रा बना लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर उनको पीछे ले जाएंगे इस, ये देखिए फंदे के पहले इस जगह पे उन सलाई को घुसा के इंसर्ट करेंगे और 1 एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। फिर उसके बाद वाला फंदा सीधा बनाएंगे और फिर ये उसके बाद देखिए, फंदे के पहले और फंदे के बाद वाले स्पेस में ये ऐसे करके हम अपने इसको 1 एक्स्ट्रा फंदा ये बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचेंगे जिनको हम 2 उल्टा और 1 जो है हमारा किनारे वाला फंदा। तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई और सेकंड रो हमें कैसे बनाना है, ये देखिए जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं, पहला फंदा तो हम उतार लेंगे, उधर जो 2 फंदे हमने उल्टे बनाए थे उल्टी तरफ इन 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए 2 फंदे सीधे और जो बीच वाले फंदे के इस तरफ और उस तरफ नीचे से हमने 1 एक्स्ट्रा फंदे बनाए थे, उन 3 फंदों को हम एक साथ लेंगे ऐसे और एक साथ 3 का 1 इकट्ठे बुनते हुए उल्टा बना देंगे। फिर उन पीछे ले जाएंगे, उसके बाद 2 फंदे सीधे और फिर ये देखिए जो 3 फंदे हैं इनको एक साथ सिलाई पे लेंगे और इन 3 को एक साथ उल्टा बना देंगे। उन पीछे ले जाएंगे, 2 फंदे सीधे, उन आगे और 1, 2, 3, 3 स्टिचेस इन्हें लेके एक साथ उल्टा बना देंगे। फिर उन पीछे ले जाएंगे, लास्ट के 3 फंदे 1, 2 और 1 एक एज स्टिच। तो ये हमारे सिर्फ 2 रो की डिज़ाइन है जो कि हमारी बनके कंप्लीट हो गई और इसी को हम रिपीट करते हुए जैसा भी जितना लंबा हमारा प्रोजेक्ट होगा उस पे हम इसको बनाते जाएंगे। सिर्फ 2 फंदे बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला फंदा हमने उतार लिया, फिर 2 फंदे हमने उल्टे बिने और उसके बाद जो तीसरा फंदा है उसके इस तरफ, ये देखिए ये इस तरह है, इसमें सिलाई घुसाएंगे और 1 फंदा एक्स्ट्रा बना लेंगे
फिर इस वाले फंदे को सीधा बना लेंगे और फिर इसके बाद वाला जो स्पेस है ये देखिए, इसमें सिलाई को घुसा के एक फंदा और सीधा बना लेंगे, फिर ये दो फंदे उल्टे, और उल्टी तरफ इन्हीं तीन फंदे को एक साथ उल्टा बनाते हुए हम अपनी दो सिलाइयों के इस पैटर्न को बना के कंप्लीट कर लेंगे, है ना इजी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी और इजी डिज़ाइन के साथ अगले वीडियो में, और जाते समय आप शेयर और लाइक को क्लिक करते जाइएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए एंजॉय निटिंग, थैंक यू।